हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान में। दोस्तों आज ओम प्रकाश त्रिपाठी जी का स्वागत है। तो दोस्तों मेरे चैनल का आपको नाम तो मालूम होगा, मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान। दोस्तों आज मैं आपको तीन सेटअप बताऊंगा। एक बताऊंगा महबूब स्टूडियो। जी हाँ, ये महबूब स्टूडियो जो है ये बांद्रा वेस्ट से 2.5 किलोमीटर की दूरी, 15 मिनट का डिस्टेंस, और इसके अंदर मैं लेके चलूँगा, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब अपने गानों की रिहर्सल करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, और वो सारे सेटअप जो बने हैं, सेट बने, वो भी दिखाऊंगा। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मैं बैठा हूँ अपने ओम प्रकाश त्रिपाठी जी के साथ में, यानी फिल्म सिटी मंदिर, जहाँ पे बड़े बड़े फिल्मों की शूटिंग वगैरह हुई, और उसी के साथ में ये रिश्ता क्या कहलाता है, शूटिंग का फुटेज, कुछ बीटी सीन। और फिलहाल मैं अभी मुखातिब होता हूँ अपने पंडित जी से। पंडित जी कैसे हैं आप भाई? बस बहुत बढ़िया, माता की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है। क्या बात है, आज पंडित जी हमारे साथ में मौजूद हैं और इन्हीं ने अपनी फिल्मी जगत में काफ़ी वक्त दिया है। आपको कितने सालों का फिल्म लाइन में काम करते हैं? मैं 84 से काम कर रहा हूँ इस लाइन में। 84 तो 38 साल करीब हो गए इस लाइन। देखिए 38 साल का तजुर्बा और इतना कीमती हीरा, इतने बेहतरीन आदमी, इतने सज्जन व्यक्ति जिनके साथ में मैं होश हवास के साथ में बैठा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती और सौभाग्य है। पंडित जी ये वही मंदिर है जहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्टों ने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। यहाँ पर भाई हत्या पिक्चर की शूटिंग हुई थी, सबसे पहले मैंने हत्या पिक्चर की शूटिंग की थी, फिर मनोज कुमार की पिक्चर थी संतोष, लाडला बेटा, ये सारी बड़ी बड़ी पिक्चरों की शूटिंग हुई है। अभी सीरियलों की शूटिंग होती रहती है, एड की भी शूटिंग होती रहती है, बहुत पुराना मंदिर है। पंडित जी बहुत अच्छी खबर और बेहतरीन आपने नॉलेज की बात बताइए। आपने किसी पुराने ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस के साथ में या विलन के साथ में इसी सेट पे उनके साथ में फिल्मी कोई शूटिंग की? इसमें तो मैं हत्या में भी काम किया था। अच्छा, हत्या में किया था। अनिल कपूर के साथ में वो बेटा पिक्चर में भी काम किया। ओहो, अनिल कपूर के साथ में बेटा में, क्या बात है। और राम वो क्या उनका था ना, श्याम, राम श्याम का घनश्याम पिक्चर था। अच्छा अच्छा, उसमें भी काम किया था। काफ़ी यहाँ गाना वाना होता था। अच्छा अच्छा, सीन भी होते थे। और काफ़ी पिक्चरों में काम किया हूँ। आपने अपनी ज़िंदगी में पंडित जी मुझे ऐसा लगता है कि हर वो किरदार कर लिया है जिसकी आपको तमन्ना थी या सोचते थे। कोई ऐसा करेक्टर रह गया जो आपको लगता हो कि मैं अभी तक वो करेक्टर मैंने किया नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं हर करेक्टर कर चुका हूँ। पहले हवलदार, इंस्पेक्टर, वकील, डॉक्टर, गांव वाला, मुखिया, सरपंच, हर करेक्टर कर चुका हूं। और आजकल पंडित का एक छाप लग गया है जो पंडित पे चलते रहता हूं। काफ़ी पिक्चरों में किया, आमिर खान की पिक्चर थी लगान, उसमें मुखिया का करेक्टर किया था। क्या बात। हाँ। दोस्तों ये वो लेटेस्ट फिल्म है जिसको फिल्म फेयर अवार्ड और बहुत सारी चीज़ें थी जिसके जो आपको देखेगा मालूम पड़ेगा। तो लगान फिल्म का इन्होंने जिक्र किया तो मैं कुछ बताना चाहूँगा, ये वो इंडियन फिल्म है बॉलीवुड की जिसके अंदर हर करेक्टर अपने आप में नाम रखता है और बहुत नाम कमाया था। तो लगान में आपने क्या किया था? लगान में एक मुखिया का करेक्टर था जो आमिर खान अंग्रेजों से मैच ले लेते हैं। ओ, और सब गाँव वाले बोलते हैं भाई हमें गिल्ली डंडा खेलने नहीं आता है, मैच खेलेंगे, हार जाएंगे, डबल लगान देना पड़ेगा। तो सारे मुखिया लोगों के साथ में, गाँव वालों के साथ में, मैं भी मुखिया था, बैलगाड़ी से आता हूँ जंप मार करके जी, और आमिर खान के साथ हाथापाई होती है जी जी जी। वो बहुत ही अहम शॉट था। क्या बोल आपने उसमें? भुवन कौन है? सामने एक आदमी खड़ा रहता है, बैलगाड़ी से उतरता हूँ और लाठी घुमा करके उसके टड्डी पे लगाता हूँ, ए भुवन कौन है? क्या बात है। और सामने वाला बोलता ऊ रहा भुवन, फिर मेरे लाइन थे कि मुखिया जी ऊ रहा भुवन, और फिर हम लोगों की हाथापाई होती है। देखिए ये भाई पुराने कलाकार हैं, अदाकार हैं, फनकार हैं, इनकी खूबियाँ इनमें इस तरह से बसी हुई हैं कि इन्हीं ने हर ज़िंदगी के हर पहलू में अपने सारे करेक्टरों को किया है। यानी कोई भी करेक्टर नहीं बोला अभी तक कोई बचा नहीं। जो मैंने एक सवाल किया था कि कोई ऐसा करेक्टर रह गया है जो आप चाहते कि हम कर नहीं पाए, लेकिन ओम प्रकाश जी ने बोला हमने सारी चीज़ें की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। तो फिलहाल आज मेरे साथ बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ किया, दिलीप कुमार के साथ में कर्मा में काम किया, बोली सामने बोली दर्शकों सामने, कर्मा में काम किया था, धर्म जी के साथ काम किया, विनोद खन्ना जी के साथ में काम किया, कोई ऐसा आर्टिस्ट भी नहीं बचा, अमित जी के साथ काम किया, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं बचा जिसके साथ काम नहीं किया हूँ मैं। फिलहाल अभी आजकल सीरियलों में लगा हूँ,
हर सीरियल में पंडित थे। आज फिलहाल जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं ये आप पंडित जी बने हैं। क्या बात है भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के अंदर, ये आज पंडित का कैरेक्टर कर रहे हैं। दोस्तों ये एक ऐसी खूबियों के मालिक हैं जिनको हम गिनाएंगे तो हमारी गिनती कम पड़ जाएगी, हम गिना नहीं पाएंगे, लेकिन इनकी खूबियाँ जो है कम नहीं पड़ेंगी। आज आपका वक्त दिया पंडित जी, बहुत अच्छा वक्त दिया। ऊपर वाले ने चाहा फिर आपसे कभी मिलेंगे, फिर मेरी मुलाकात होगी। मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या आवाज है क्या पंडित जी, मेरे चैनल का नाम फिर एक काम करना पड़ेगा। आपने अभी ये श्लोक जो पढ़े हैं ना, बड़े अच्छे, बहुत अच्छा। एक मुझे वो बताइए, जब आप लोग, अभी जाने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जब आप शादी कराते हैं उस वक्त जो श्लोक पढ़ते हैं वो आपको ओरिजिनल श्लोक देते हैं? ओरिजिनल। तो जरा मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स, मेरे दर्शकों को वो ओरिजिनल श्लोक आप सुना दीजिए। देखिए सबसे पहले तो गणपति पूजन होता है और एक फेरे का मंत्र सुनाता हूँ मैं, जिसके सात फेरे होते हैं, सात फेरे के सात वचन होते हैं। जी जी बताइए। उसमें होता है प्रेमद पंकज बिष्टरो हरिहरो वायोर महेंद्रो नल चंद्रो भास्कर वित्यपाल वरुण प्रेताधिपाधि ग्रह प्रदुम्नो नल कुबर सुर गज चिंतामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधरश्च लांगलधर कुर्वन्तु मंगलम मंगलम। ऐसे ही सात श्लोक होते हैं, सात फेरे के, ये सब। मैं तहे दिल से ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, पंडित जी का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि इतनी बेहतरीन कीमती चीज़ें आपने मुझे दी। नेक्स्ट टाइम फिर कभी मौका मिलेगा फिर आपके साथ में मैं कुछ काम करूँगा। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको मैं बताऊँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब। जी हाँ, जाने से पहले एक चीज़ और बताऊँगा कि मेरे चैनल का आपको नाम तो मालूम होगा, मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। पंडित जी मेरे चैनल का नाम मेरे साथ आप रिपीट करिए, मूवमेंट्स एंड जर्नी, मूवमेंट एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान, ऑफ निज़ाम खान। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको लेके चलता हूँ बॉलीवुड की एक हसीन तरीन और मशहूर मारूफ और ज़बरदस्त लोकेशन, जी हाँ, जिसका नाम है दोस्तों फिल्म सिटी। जी हाँ दोस्तों, ये गोरेगांव ईस्ट महाराष्ट्र मुंबई शहर के अंदर स्टेशन से गोरेगांव ईस्ट से 15 मिनट्स का डिस्टेंस और 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ये फिल्म सिटी स्टार्ट है। और दोस्तों ये अब आ गए हम फिल्म सिटी के पास में और मैंने आपको ऊपर से मंदिर का जूम करके सीन दिखाया। दोस्तों ये वही फिल्म सिटी का मंदिर है जहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्टों ने यहाँ पे सीन किए हैं, एक्टर एक्ट्रेस ने, विलन ने, और इस मंदिर में भगवान के सामने आके झुक के अदब के साथ में अपने सर को झुकाया है और अपनी मुरादों को मांगा है। तो दोस्तों आज मैं उस जगह पे आपको लेके आया हूँ, यहाँ पे क्या क्या हुआ है, कौन कौन से आर्टिस्टों ने यहाँ पे काम किया है और ये कितना पुराना मंदिर है फिल्म सिटी के अंदर और फिल्म सिटी के गेट से कितनी दूरी पे है वो भी मैं बताऊँगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और क्या होता है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ मंदिर की सीढ़ियों से। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज अभिनेताओं ने अपना माथा टेका और यहाँ से चढ़ के गए। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से भी करें, कहीं से भी करें, लेकिन हर तरफ से आपको बड़े बड़े स्टार नज़र आएंगे। अगर एक बार आप आँख बंद करें तो आपको सारे स्टार यानी दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन, राजकुमार साहब, राज कपूर साहब, सुनील दत्त साहब और भी इसके अलावा डैनी, जी हाँ रंजीत साहब यानी अमरीश पुरी और बहुत सारे आर्टिस्टों ने यहाँ पे सीन किए हैं उनके साथ। दोस्तों आज की शुरुआत मैं करता हूँ, एक यहाँ पे सीरियल है जो मंदिर में चल रहा है जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरी टीम है, डायरेक्टर एक्टर एक्ट्रेस और कैमरामैन, रिकॉर्डिस्ट लाइटमैन, साउंड वाले यानी बहुत सारे जितने क्रू मेंबर लगते हैं यहाँ पे सारे लोग अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और फिलहाल मैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है की शूटिंग भी दिखाऊंगा और उसके साथ में एक्टर एक्ट्रेस यानी हीरो हीरोइन
और दूसरे और जो कलाकार अदाकार हैं उनको भी दिखाऊंगा और वो शूटिंग के अलावा किस तरह से यहाँ पे अपना वक्त इस्तेमाल करते हैं, यानी खाली वक्त जब रहता है तो वो उनकी मस्ती मजाक वो सारी चीज़ें मैं आपको इस आज के व्लॉग में दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो मंदिर में जो जो चीज़ें लगती हैं यानी प्रॉपर्टीज़ यानी वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, हार फूल झंडे और इस तरह से स्टॉल यानी मंदिर के पास में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, बस बने रहिए। फिलहाल दोस्तों मैंने जूम करके आर्टिस्टों को दिखाना शुरू किया। जी हाँ, ये पूरी टीम जो है ये रिश्ता क्या कहलाता की है, ये सारे एक्टर एक्ट्रेस खड़े हुए हैं जिनको मैं थोड़ा थोड़ा जूम कर करके आपको दिखाऊंगा और पहचानिए अपने प्यारे और मशहूर मारूफ एक्टर एक्ट्रेस को। दोस्तों ये सब मंदिर में खड़े हुए हैं, फिलहाल अभी इस वक्त लाइटिंग हो रही है तो इसके लिए उन लोग फिर आपस में कुछ ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं। इनकी भी ज़िंदगी आम तरीके से हम लोग ही जैसी रहती है, बस जब कैमरा ऑन होता है तो फिर एक्शन में रिएक्शन दिखाते हैं। तो फिलहाल मैंने अभी मंदिर में जूम किया, देखिए ये एक अदाकार खड़े हुए हैं जो ये रिश्ता क्या कहलाता में बेहतरीन और ज़बरदस्त करेक्टर कर रहे हैं, और इनके साथ ही मैंने वो मंदिर को दिखाया जहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्टों ने जो है अपने माथे को टेका है और भगवान से मांगा है। और ये देखिए एक दूसरी एक्ट्रेस यानी अदाकारा अति भी इनको मैंने जूम किया, जूम करके आपको दिखाया। और ये देखिए फ़िलहाल अभी ये इनका शॉट यहाँ पे नहीं है तो मंदिर से नीचे जाते हुए तो मैंने इनको आराम से आपको दिखाया दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि जब कोई भी सीक्वेंस या सीन लगता है तो वहाँ पे उस तरह की प्रॉपर्टी चीज़ें सामान लगाई जाती ताकि उससे मैच हो। तो आज का हमारा टॉपिक था यानी फिल्म सिटी मंदिर। अब एक देखिए दूसरी एक्ट्रेस जो हैं आ रही हैं, इनका भी अभी फ़िलहाल शॉट नहीं है, शॉट हो गया था यहाँ पे तो अभी ये भी जो है वापस से कुछ आप ऐसी टहल रही हैं, डिस्कशन कर रही हैं और मैंने जूम करके इनको भी दिखाया दोस्तों। पंडित जी भी पानी पीने का मज़ा ले रहे हैं दोस्तों, जिनका मैंने शुरू में इंटरव्यू लिया। दोस्तों अब फिलहाल मैंने उस जगह को जूम किया है जहाँ पे अंदर जो है भगवान की मूर्ति रखी जाती है। दोस्तों इसमें होता यह है कि जिस भी भगवान की मूर्ति यहाँ पे लगाना होती है तो वो प्रॉपर्टी वाले वो भगवान की मूर्ति लाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं, उसके बाद में उनकी जो है यहाँ पर लोग जो है आगे अपने शीर्ष को झुकाते हैं और ये वो स्थान है जहाँ पे सारी मूर्तियाँ रखी जाती हैं यानी शॉट के लिए। तो मैंने इसलिए आपको अंदर का भी हिस्सा दिखाया और ये वो द्वार है जो मंदिर के अंदर आते हैं। अब फिलहाल मैं ऊपर से दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ टॉप से शॉट कि नीचे देखिए कैसे किस तरह से जो है ट्रॉली लगी हुई है, कैमरामैन कैसे खड़े हुए हैं और किस तरह से शॉट ले रहे हैं, ये चीज़ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कालीनें लगी हुई हैं दोस्तों, ये दरी कालीन इसलिए लगाई जाती हैं ताकि मंदिर की सीढ़ियों पर लगाई जाए, उनकी शोभा और सज्जा को और सजाया जाए ताकि जब वो स्क्रीन पे दिखे और उसके पास जब आर्टिस्ट चल के आए तो वाकई में लगना चाहिए कि हाँ वाकई में ये मंदिर बेहतरीन ज़बरदस्त लाजवाब है। हालांकि कोई भी धर्म स्थल हो तो उसको हर अच्छे तरीके से ही फिल्म वाले दिखाते हैं और उनके अंदाज़ ऐसे होते हैं कि लोगों के अंदर जो श्रद्धा बनी हुई है वो बनी रहे। तो फिलहाल मैं बाहर साइड में आया और मंदिर को चारों तरफ से मैं आपको अभी जो है कैमरे में कैद करके दिखा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैं मूवमेंट ले रहा हूँ और ऊपर टॉप पे गया, नीचे जो रिकॉर्डिस्ट वगैरह बैठे हुए हैं, मॉनिटर रखा है, डायरेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर और शॉट ले रहे हैं। ठीक मंदिर के पीछे साइड में यानी नीचे से कैमरा मैंने टिल्ड अप किया और वो पोर्शन दिखा रहा हूँ कि चारों तरफ मंदिर आखिर फिल्म सिटी किस तरह का बना हुआ। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि ये जो मंदिर बना है ये कम से कम ये आपके 1500 से 2000 एरिया के बीच में बना हुआ है दोस्तों, काफ़ी बड़ा स्पेस है ताकि इसमें वो हर चीज़ यानी सीढ़ियाँ उसके बाद में फिर मंदिर, मंदिर के बाद में फिर लोगों आना जाना यानी पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया। अब फिलहाल मैंने टॉप से भाई कुछ आर्टिस्ट आ रहे हैं, अभी उनका शॉट लगा, ये देखिए मैंने जूम किया और जूम करने के बाद मैंने दिखाया कि भाई आर्टिस्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये यहाँ पे जो सीन चल रहा है वो यहाँ पे घूम रही है। देखिए ये साड़ी में एक एक्ट्रेस ये रिश्ता क्या कहलाते की हैं दोस्तों पहचानिए, उनके साथ में ब्लू जो कैप लगाए वो हैं डायरेक्टर साहब जो इस सीरियल को डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए बेहतरीन अदाकार सामने से आते हुए, धूप
बहुत तेज़ है दोस्तों, दोपहर का टाइम है, करीब 2:30 बजा है। तो दोस्तों फिलहाल मैंने आपको मंदिर का वो नज़ारा दिखाया। और हाँ दोस्तों, कभी भी अगर आप आते हैं फिल्म सिटी के अंदर किसी भी स्टेट से, हिंदुस्तान के अंदर से, तो आप मंदिर ज़रूर आके देखें यहाँ की खूबसूरती और मंदिर को किस तरह से बनाया है शूटिंग के एतबार से, उसके अलावा भी मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों आज का पहला ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया फिल्म सिटी मंदिर, जो सदियों से यहाँ पर शूटिंग हो रही है। दोस्तों इस वक्त ये जो रोड देख रहे हैं, गाड़ियाँ रफ्तार से आ रही हैं जा रही हैं, अभी ठीक आपको मैं आगे लेके चलता हूँ और दिखाऊंगा बॉलीवुड फिल्मी जगह चित्रा नगरी का एक ऐसा स्टूडियो जिसका नाम है महबूब स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, ये स्टूडियोज़ जो है बांद्रा से करीब 3 किलोमीटर की दूरी और 15 मिनट का डिस्टेंस। और दोस्तों ये बांद्रा वेस्ट में महबूब स्टूडियो, जी हाँ दी दोस्तों, ये स्टूडियो की न्यू यानी बनवाया था महबूब साहब ने। तो मैं आपको अभी अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें अंदर बनी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टूडियो बना है इसकी खूबी और बताऊंगा कि ये जो महबूब साहब ने बनवाया, ये बेहतरीन डायरेक्टर अपने ज़माने के, प्रोड्यूसर अपने ज़माने के, और उसके साथ ये इस महबूब स्टूडियो के मालिक भी। जी हाँ दोस्तों, मेरी एंट्री फ़िलहाल अंदर हो गई है। अंदर होने के बाद मैं आपको लेफ़्ट और राइट में किस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे पार्किंग प्लेस कितना बना हुआ है, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ताकि जब कभी भी आपका इस स्टूडियो के अंदर आना हो तो आप यहाँ पार्किंग प्लेस के हिसाब से गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकते हैं, और शूटिंग के एतबार से जो शूटिंग करना था फ्लोर भी। यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर बने हुए, हर फ्लोर एकदम गजब का और ज़बरदस्त बना हुआ है और काफ़ी स्पेस है। ये राइट साइड में दोस्तों मैंने अभी कैमरा पैन किया, पैन करके वो भी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कि 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की और वैनिटी वैन की पार्किंग के अलावा और क्या यहाँ पे बना हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो मैंने कहा जूम करके ज़रा वो भी हिस्सा दिखाऊं कि भाई 2 व्हीलर का कितना स्पेस यहाँ पे बनाया गया स्टूडियो के अंदर। तो दोस्तों एक इसके अंदर और खूबी है जो भी मैं आपको ले चल के बताता हूँ। फ़िलहाल ये जो सामने आप जो देख रहे हैं फ्लोर, ये फ्लोर के अंदर शूटिंग चालू है और आज यहाँ पर एक वेब सीरीज़ हो रही है दोस्तों। तो फ़िलहाल आपको लेके चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि किस तरह की क्या बने हुए हैं और फ्लोर कैसे हैं, किस अंदाज में बने हैं। फ्लोर तो हाइट के साथ में बने, उसके साथ में मैं भी एक स्पेस दिखा रहा हूँ जहाँ पे जनाब रफ़ी साहब गानों की रिकॉर्डिंग करते थे, रिहर्सल करते थे, गाना रिकॉर्ड भी करते थे। वो ये जगह दोस्तों जिसको मैंने जूम किया, और जब थोड़ा रेस्ट लेते थे गाने के लिए तो बाहर आके यहाँ पे बैठते थे और बैठने के बाद डिस्कशन करते थे। तो दोस्तों आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए, घरों में अपने परिवार से मोहब्बत कीजिए, देश के हित के लिए कुछ अच्छा सोचिए। दोस्तों आप जो भी जिस लाइन के अंदर हैं उसमें अपनी मेहनत, कामयाबी के लगन और जोर पे आप अपने काम को अंदाज दीजिए। और ये है वहाँ की कैंटीन दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी कुछ नए चीज़ों के साथ में, नएपन के साथ में। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।